कौशाम्बी पुलिस को शनिवार शाम बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अंतरराज्यीय चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरोह के पास से 38,000 रुपए नकद, 50 ग्राम सोना, 1.5 किलो चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि गैंग के 5 सदस्यों के ऊपर 25,000 का इनाम पहले से घोषित है। सराय अखिल पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली। मुखबिर से मिली सूचना पर चोरी डकैती को अंजाम देने वाले कुछ शातिर बदमाश मुसिर अहमद के बंद पड़े भट्टा बजहा अकुहाबाद रोड पर इकट्ठा हो रहे हैं। जानकारी पर एसओ सराय अखिल विजय विक्रम सिंह और एसओजी प्रभारी फोर्स के साथ भट्टा पर पहुंचे। पुलिस से अपने को घिरता देख बदमाश फायर करने लगे। पुलिस ने भी अपने को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की तथा भाग रहे 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अमीर और फखरुद्दीन चिड़चिटा बुलंदशहर के पैर में गोली लगी है, जिन्हें पुलिस ने जिला अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया है। अन्य 4 बदमाशों के पास से पुलिस ने जमा तलाशी में 2 अवैध देसी तमंचा, कारतूस और चोरी किए गए 38,000 रुपए, 50 ग्राम सोना, 1.5 किलो चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। इन बदमाशों के ऊपर कौशाम्बी जनपद के अलावा प्रयागराज, झारखंड आदि जिलों में पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही गैंग के 5 सदस्यों के ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित। व्यक्ति ऐसा है जो एक व्यक्ति चित्रकूट का अनवार रहने वाला है और एक सिराज है जो यहाँ जिनकी रिश्तेदारियाँ यहाँ पर हैं, तो वो ये लोग यहाँ पर आते थे, रुकते थे कमरे में और यहाँ के ही चीज़ों को की रेकी करते थे। इनसे जब पूछताछ की गई तो उसमें इन लोगों ने इतनी डिटेल में सारी चीज़ों को बताया जिससे कि लगता है कि इनको यहाँ के हर गली का पता है और किसी भी घर में चोरी करने से पहले काफ़ी रेकी करते थे उसकी और बिल्कुल सटीक तरीके से चोरी की घटना को अंजाम देते थे।